एरोप्लेन में बैठकर फ्लाइट मोड ऑन ना करे तो क्या होगा और डिस्क ब्रेक में यह छेद क्यों होते हैं? तो ऐसे अजीब फैक्ट और गजब जानकारी के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 10, एरोप्लेन में बैठकर फ्लाइट मोड ऑन ना करे तो क्या होगा। मेरी एडवाइस है, ऐसा आपको करना ही नहीं चाहिए क्योंकि इससे बहुत खतरा हो सकता है। आमतौर पर यह इतनी सीरियस बात नहीं है, लेकिन कई बार जो हमारे फोन के सिग्नल होते हैं वह कम्युनिकेशन सिग्नल के बीच में आ जाते हैं। मान लो फ्लाइट के दौरान प्लेन में कोई दिक्कत आ गई और पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी है और आपके मोबाइल का एरोप्लेन मोड ऑन नहीं है, तो पायलट को कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होगी और उसके हेडफोन में कंट्रोल रूम से आ रही आवाज वॉइस ब्रेकिंग होगी और उसको आवाज सही से सुनाई नहीं देगी और इतनी छोटी सी लापरवाही के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नंबर 9, फैक्ट्री की छत पर यह क्या होता है। आपने कभी ना कभी किसी फैक्ट्री की छत पर यह चीज तो देखी ही होगी। इसे विंग टर्बाइन वेंटिलेटर कहते हैं। यह बहुत काम की चीज है। फैक्ट्री के अंदर के तापमान को मेंटेन करने के लिए विंड टर्बाइन वेंटिलेटर लगाया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में मशीनों से बढ़ने वाली गर्मी, मशीनों से निकलने वाला धुआं और डस्ट, इन सभी को विंड टर्बाइन वेंटिलेटर फैक्ट्री से बाहर निकाल फेंकता है। नंबर 8, डिस्क ब्रेक में छेद क्यों होता है। इसका मुख्य कारण है हीटिंग। पहले के समय में डिस्क ब्रेक की डिस्क पर कोई छेद हुआ नहीं करते थे, पर जब भी गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता था तब डिस्क ब्रेक प्लेट बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती थी और डिस्क ब्रेक प्लेट ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से कई बार ब्रेक सही से काम भी नहीं करती थी और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ब्रेक प्लेट पर छोटे छोटे छेद किए गए ताकि इससे हवा आर पार हो सके और गर्म हुई डिस्क ब्रेक की प्लेट का टेम्परेचर जल्द से जल्द कम हो सके और इससे ब्रेक की वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ती है। नंबर 7, फोन पर सबसे पहले फोन उठाते ही हेलो क्यों कहते हैं। हम चाहे कॉल रिसीव करें या कॉल करें, सबसे पहले कहते हैं हेलो। आखिर हम इस वर्ड का क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर यह कहा जाए कि यह किसी का नाम है तो आप सोच में पड़ जाएंगे। जी हाँ, यह नाम था महावैज्ञानिक ग्राम बेल की गर्लफ्रेंड का, जिसका पूरा नाम मार्गरेट हेलो था। वैज्ञानिक ग्राम बेल प्यार से उसे हेलो कहते थे। आप जानते ही होंगे कि वैज्ञानिक ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। वह जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते थे तो उसे हेलो कहते थे। तब से हेलो वर्ड इतना पॉपुलर हो गया, हम चाहे कॉल रिसीव करें या कॉल करें, सबसे पहले हेलो जरूर कहते हैं। नंबर 6, दुनिया में पेड़ पौधों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। हालांकि इसको बचाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलीपींस एक ऐसा देश है जहां सरकार की तरफ से कानून बनाया गया है, स्टूडेंट को कम से कम 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे तभी उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। नंबर 5, भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेल नेटवर्क है। भारत में कुल मिलाकर 65,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी रेलवे ट्रैक है और भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे में 1.3 मिलियन रेलवे कर्मचारी काम करते हैं, जो दुनिया की कोई भी रेलवे नेटवर्क नहीं कर सकती। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे क्यों मनाया जाता है? भारत में झूठ बोलकर और मूर्ख बनाकर खुश होने की परंपरा कैसे शुरू हुई? हमारे पूर्वज अप्रैल में न्यू ईयर मनाते थे। उन पूर्वजों को अंग्रेज ब्लडी फूल कहते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने पूरे अप्रैल महीने को अप्रैल फूल और 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाना शुरू कर दिया और आज लोग अपने न्यू ईयर को भूलकर अप्रैल फूल डे मनाने में पड़े हैं। नंबर 3, यह है अमेरिका के कनेक्टिकट स्टेट की रहने वाली सामंथा रामडेल। यह 2021 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दुनिया में सबसे चौड़े मुंह वाली महिला बन गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सामंथा के मुंह का कैपेसिटी गैप 6.52 सेमी यानी 2.56 इंच मापा गया है, जो अपने आप में अजूबा है। नंबर 2, फोन को कितना परसेंट चार्ज करना चाहिए। शायद यह सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फोन को कभी भी फुल चार्ज नहीं करना चाहिए, यानी 100% चार्ज कभी नहीं करना चाहिए और फोन की बैटरी को 20% से नीचे भी नहीं जाने देनी चाहिए। जैसे ही फोन की बैटरी 20% होती है फोन को चार्ज में लगा देना है और जैसे ही फोन 80% चार्ज हो जाता है तो चार्ज से निकाल देना है। इस ट्रिक से आपके फोन की बैटरी की हेल्थ बहुत ही लंबे समय तक अच्छी रहेगी। नंबर 1, कभी आपको सांप काट ले तो क्या करे। पहले तो आपको जिस जगह पर सांप ने काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी को बांध ले और आपको
आपको ज्यादा चलना फिरना भी नहीं है। आपकी मांसपेशियों की रगड़ से जहर पूरे शरीर में फैल सकता है और जितना हो सके आपको शांत रहना है और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना है और गलती से भी सोना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी और गजब फैक्ट जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।